डिस्कस किए पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट था डेवऑप्स. नाम से अगर हम इसको देखें तो डेव फॉर डेवलपर्स, ऑप्स फॉर ऑपरेशन टीम्स. डेवलपर कौन होता है? डेवलपर वो शख्स या वो टीम होती है जो हमारे प्रोग्राम को बनाती है, कोड करती है, प्रोग्राम करती है. ऑपरेशन टीम क्या करती है? जब वो प्रोग्राम बन जाता है, कोड हो जाता है और चलने के या डिप्लॉय होने के काबिल हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, उसके बाद ऑपरेशन टीम का काम होता है कि किसी भी सर्वर्स को वो किसी भी सर्वर्स पे वो एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दे. डिप्लॉय करने के बाद वो यूज़र्स तक आसानी से अवेलेबल रहते हैं. स्क्रीन पे इस वक्त आपके एक डायग्राम आ रही है जिसमें डेव के कुछ काम यानी डेवलपर के कुछ काम और ऑप्स टीम यानी ऑपरेशन टीम के कुछ काम मेंशन हुए हैं. शुरू करते हैं डेवलपर के काम से. डेवलपर का सबसे पहला काम होता है कि वो प्लान करेगा. प्लान मतलब हमारी एप्लीकेशन में क्या फ़ीचर्स होंगे, कौन सी लैंग्वेज पे उसको बनाया जाएगा, कितने अरसे में उसको बनाया जाएगा और किस काम को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और उस पे बनाया जाएगा. इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है उसका कोड करने का. कोड मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसने चूज़ की थी उस पे अब वो स्ट्रक्चर करना शुरू करेगा, उस पे कोडिंग करना शुरू करेगा, प्रोग्रामिंग करना शुरू करेगा और उसको बनाएगा. जब उसको लगेगा कि मेरी एप्लीकेशन किसी एक मरहले में आ गई है, वो बन चुकी है, किसी हद तक वो बन चुकी है, अगर हम माइक्रो सर्विसेज की बात करें तो कोई छोटा सा पार्ट कंप्लीट है जो डिप्लॉय हो सकता है, तो वो उसको बिल्ड करेगा. बिल्ड का मतलब अब उसको एग्जीक्यूटेबल या डिप्लॉयबल फॉर्म में लेके आएगा. उसके बाद उसको वो टेस्ट करेगा कि जब वो डिप्लॉय होगी तो क्या वो इस काबिल है, उसमें कोई एरर तो नहीं, उसमें कोई बग तो नहीं, वो उसको चेक करेगा. उसके बाद रिलीज़ का एक फेज़ आएगा जिसमें डेवलपर ऑपरेशन टीम को हैंडओवर करेगा वो बिल्ड हुआ हुआ कोड, जिसको ऑपरेशन टीम अब डिप्लॉय करने जाएगी. रिलीज़ के बाद डिप्लॉय करने की बारी आती है, यानी सर्वर्स पे उनको बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन को चलाया जाए ताकि यूज़र्स उन सर्वर को एक्सेस करके उस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा सकें. उसके बाद उसको ऑपरेट किया जाता है. ऑपरेट करने के बाद उसको मॉनिटर किया जाता है कि क्या उस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बग है, कोई चीज़ ऐसा है जो मसला पैदा कर रही है, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकें. इस फेज़ को हम कंटिन्यूस फेज़ कहते हैं क्योंकि उसके बाद दोबारा से प्लानिंग आती है कि अब जो एप्लीकेशन बन चुकी, जो पार्ट बन चुका, अब नया पार्ट जो बनना है या नया फीचर जो ऐड होना है उसके लिए प्लानिंग होगी, उसके लिए कोड होगा, उसके लिए बिल्ड बनेगा, उसके लिए डिप्लॉयमेंट होगी. तो ये सारे काम चूँकि पहले दो अलग अलग टीमें हुआ करती थी, डेवलपर एक अलग टीम हुआ करती थी, ऑपरेशन टीम एक अलग टीम हुआ करती थी, बट जब हम क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो ये सारे काम एक डेवलपर खुद ही अपने हाथों से करता है. कैसे करता है वो हम आगे सीखेंगे, बट इसको सिर्फ इतना समझना इस वक्त के लिए काफ़ी है कि वो कोड भी खुद करेगा, प्लान भी खुद करेगा, टेस्ट भी खुद करेगा और उसके बाद जो ऑपरेशन टीम को वो हैंड ओवर करता था अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं, कोई टेक्निकल टीम की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही डेवलपर एज अ डेवलपर बहुत आसानी से डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हुए उसको सर्वर्स पर डिप्लॉय करेगा और यूज़र्स तक उसकी रसाई पहुँचाएगा.